हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचरोपैथ। आज हम आपके लेकर आए हैं कि कैसे आप अपने 5-6 दिन पुराने बुके को फिर से नया और फ्रेश लुक दे सकते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं ये कैसे करना है। फिर से फ्लावर्स को अरेंज करने के लिए हमको एक चाहिए 3-4 दिन पुराना आपका बुके। ये बुके है, ये 4 दिन पुराना बुके है हमारा। बुकेज हमको जैसे बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे मिलते हैं या ऑफिस से मिलते हैं, तो हम 3-4 दिन के बाद वो डल होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे रोजेज हैं, ये डल होना स्टार्ट हो गए हैं, लीव्स भी। तो अब इनको फिर से रीअरेंज करेंगे, क्योंकि कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, इन्हें हम फिर से रीअरेंज करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे आप पुराने बुके से रीअरेंज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक, हम कोई डेकोरेटिव सी प्लेट लेंगे और उस पर अपना कोई भी वाटर ग्लास जो पानी के यूज करते हैं, मैंने जैसे ये लिया है, ये लेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, इनको कट करेंगे। देखिए ऐसे, यहां से कट किया, ये स्टिक्स निकाल लेंगे ऐसे। मैंने कुछ निकाली भी है सीजर की हेल्प से। सीजर की हेल्प से आप इनको कट करके निकाल लेंगे, ऐसे निकाल देंगे जो ये छोटी हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो लीव्स हैं, ये वाली लीव पूरा स्टेम जो है ऐसे कट करके एक दो और निकालेंगे। देखिए अब इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रोज को लेंगे, रोज की स्टिक को इसमें डालेंगे। वन, ऐसे लगाएंगे, ऐसे साइड से देखो। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमने लीव्स निकाली हैं, स्टेम्स, उनको बीच बीच में साइड्स में अरेंज कर देंगे। ऐसे अरेंज करेंगे, फिर से हम ये जो रोजेज हैं पानी में रहेंगे तो 8-9 दिन आराम से चलेंगे। इसके ये जो हमारी पत्तियां हैं, लीव्स को साइड्स में पूरा कवर कर देंगे, जिससे कि पूरा खूबसूरत लगेगा। अब जो हमारे ये छोटे छोटे हल्के वाले फ्लावर्स का, इनको बीच में रखेंगे, पानी में जाना चाहिए, इनकी जो स्टेम्स हैं वो पानी के अंदर जानी चाहिए, जिससे कि इनको पानी मिलता रहेगा। तो ये आराम से 1 वीक चलेंगे इस तरह से। ध्यान से देखिए, इस तरह से इनको बीच में अरेंज कर देंगे। जिस तरह का आपका बुके हो, आप उस तरह से अपने ही स्टाइल में उनको अरेंज कर सकते हैं। एक दो और स्टैम निकालेंगे, लीव्स निकालेंगे। खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।